इधर रोने वाली क्या बात है भाई, इधर रोने वाली क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको काम करके? हैं? बड़े दिनों बाद आपको अच्छा काम करने का मौका मिला है। इतना काम कर ले। खजूरे। अच्छा अच्छा। सेवन नीचे जा नहीं सकती इसलिए थोड़ी देर के लिए रूरु को ऊपर ला रहे हैं। लिया इसका खाना, लिया खाना। रूरा आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ। इधर रोने वाली क्या बात है भाई, इधर रोने वाली क्या बात है। ये हर चीज रोना शुरू कर देती है। हैं? मम्मा रोना शुरू कर देती है हर चीज पे। खिला खिला रोइयो बात में, पहले खिला। भूख लगी मम्मा, वो जो से भी खा लिया मेरा से तो। देख ले। कोई मतलब नहीं भाई। यो कह रही पहले कर लो तुम, रो लो। क्लैप 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 क्लैप। अरे खाओ इधर। पकड़ के रखियो, कोई भी टूट सकता है। तो अभी सिमन को खाना खिलाया भाई। और ओए क्या हो रहा है? खजूरे आज खजूरा सो नहीं रहा भाई दिन में। हाँ, हम कह रहे हैं सो जाए, सो ही नहीं रहे। खजूरे, खजूरा आ चुका है मम्मी के पास। जाओ। पास, 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 पास। अरे वाह, तुम भी बैठोगी मेरी तरह। मम्मी को नमस्ते करो, मम्मी को नमस्ते करो। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जब पुच्ची दे दो, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस। मम्मा को क्या हुआ है लुलु? अरे वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह। लो अब क्या मिल गया है? अब दूसरा डब्बा मिल गया है। फोड़ फोड़ फोड़। क्या नहीं फोड़ रही आप? पिछवाड़े से गुब्बारे फोड़ रहे। फोड़ इसका इतना वजन ही नहीं है। कर ले भैया, हमसे ना पाएगा हंटर। पिटाई कर दो, करो पिटाई। पापा की कर दे पिटाई, पापा की पिटाई कर दो, पिट्टी कर दो पापा की पिटाई। देखो देखो ऐसे करते हैं, देखो देखो ऐसे, देखो ऐसे। हो हो पकड़ाए, पकड़ाए यहां से। अब करो करो। 1 2 3 करियो करियो कर। आजा आजा। ये बोले तो साड़ में आजा आजा। निकाल दिया। पास तो नहीं गई रोड की।
तो अभी रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ स्टेशन मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी आ रही हैं, कल थी शादी तो अभी जो है मम्मी धौलपुर से सीधा यहीं आ रही है, तो बस वो पहुँचने वाली थोड़ी देर में, तो अभी चलो चलते हैं मम्मी को लेके आते हैं। तो भी चलेगी? तो जल्दी या फिर जल्दी। अब भाई ठंड होने लगी है, कोहरा भी होने लगा, देखो हल्का हल्का कोहरा हो रहा है पूरे में, देखोगे ना तो भाई वैसे भी दिसंबर आ चुका है तो ठंड तो होनी है, अपने इस एरिया में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी बढ़िया पड़ती है यहाँ पर मस्त वाली। चलो मतलब सारे मौसम देखने को मिल जाते हैं। अभी गाड़ी को मोड़ते जल्दी फटाफट, गाड़ी कल धुलवा ली थी ना तो अंदर से थोड़ी साफ साफ लग रही है, थोड़ी अच्छी लग रही है, नहीं तो भाई बहुत दिनों से गंदी हुई, देखना कैसे चमक मार रही है, थोड़ी साफ रहती है तो अच्छी लगती है गाड़ी। बाकी देख रहा क्या ओस सी जमी हुई है सब पूरे पे, देखो पूरे दिख रही है ना। चलो मम्मी को लेके आते हैं भाई। तुम दोनों भी चल रहे हो? अच्छा दादी को लेने तुम भी जाओगे खजूरे? एक खजूरे बारात जा रही है, बारात खजूरे का 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 रुरु दादी के पास हम जा रहे हैं, दादी के पास हम जा रहे हैं। सॉक्स निकाल दिया। चलो भाई चले, अब कर रही है हाँ तो अभी तो तुम्हें लग जाएंगे 15-20 मिनट। हमें जल्दी बुला दिया। चलो ठीक है आ जाओ तुम। चलो फिर हम क्या कर सकते हैं, 15-20 मिनट और घूम लेते हैं। भाई साहब शादियों का मौसम चल रहा है, हर जगह शादियां ही शादियां चल रही हैं, इतनी शादियां हो रही हैं और सर्दियों में पता है ठंड लग रही, कुकड़ रहोगे तब भी गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, यही तो फैशन है। अब बोल कौन रहा है, अब बोल कौन रहा है भाई, बोल कौन रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, मैं किसी को थोड़ी बोलना, अच्छी बात है। ये काम औरतें ही करती हैं, बस ये काम औरतें ही करती हैं, ये बात ऑप्शन नहीं है। अब हम थोड़ी क्रॉप टॉप पहन के घूमेंगे शादी में, शादी में क्रॉप टॉप पहन के कौन आता है भैया? आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे तो लड़कियां भी क्रॉप टॉप पहन के नहीं आती तो बिना शादी के भी आदमी कहाँ आते हैं क्रॉप टॉप पहन के? अरे यार ये देखना पूरा भाई साहब रंगो रंग कार्यक्रम चला है हर तरफ, इधर शादी इधर शादी इधर तरफ, चारों तरफ शादी शादी है, शादी है, शादी है, शादी है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मस्त वाला कोहरा हो रहा भाई साहब मस्त वाला। कैंट में जब भी आते हैं ना इस साइड में, क्या इस साइड पेड़ बहुत है, जहाँ पेड़ होते हैं ना वहाँ अपने अभी बहुत कोहरा होता है, तो इस पूरे एरिया में देखना क्या बिल्कुल बेहतरीन वाला कोहरा है। फिर कैमरे में इतना नहीं आ रहा, कैमरा उस चीज को मतलब दिखा भी नहीं पा रहा ढंग से, कैमरे में तो काला काला आ रहा पर हमें दिखाई दे रहा है मतलब बेहतरीन वाला। ठंड का एहसास कोहरे से होता है वैसे, पता चलता है कि हाँ भाई ठंड आ चुकी है। वैसे अभी तक मैं तो एक बहुत पतली सी टी शर्ट में ही घूम रहा हूँ और स्वेटशर्ट वगैरह नॉर्मल पहन लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो भाई बहुत लोग तो बाहर जैकेट वगैरह ये सब चीजें पहन रहे हैं। और पता है ठंड का असली मजा आता है जब बाइक से बाहर घूमते ना, स्कूटी से बाहर घूमते हैं, जब आता है भाई साहब कि आराम से कैप पहन के जैकेट पहन के तो मस्त घूम रहे हो रात में, मतलब शाम को घूम लो रात में नहीं, मजा आता है पूरा। चलो बैठो घर जाके कर लेना प्यार। दूरा नमस्ते कर दो, दूरा नमस्ते करो, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते कर दो। ये कौन है, ये कौन है पीछे देख रही है वो तो? अरे ये कौन है भाई, दादी रूस दादी दादी नमस्ते कर दो दादी को, अभी कंफ्यूज है वो। चलो भैया सामान निकालते हैं। कुछ कंफ्यूजन में वो देख रहा है।
तुम भी अपना वो करवा रखा भैया, चेकअप करवा लो उसका टेस्ट। कब किसके खूब चाय पी हो गया बस शादी में। हाँ, अब कब किसके कहाँ कैसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो वो तो पहले से पता नहीं है, अब वो क्या हमारे पता ही क्या हमारे पीछे लगा ये काम आया। हाँ तो ऐसे होता ना, तो अपना ध्यान रखो ढंग से गोदी में लो, ढंग से गोदी में लेकर आ रही है देखो मम्मी कुछ कर रही है। ऊपर लो गोदी, ऊपर गोदी में। दूरू छूट चुका है, रूरू का है, बड़ी हो गई वैसे भी, रूरू 2 साल की होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, मतलब ये लोग तो बहुत पहले आ गए थे, वो लोग आए हुए हैं नहीं ठीक है, लोगों को लेकर अब जा रहे हैं। छाया भी जा रही है। इस बार मैंने बुलाया कि तुम्हारी क्वांटिटी कमी हो गई थी ना, इसलिए मैंने बुलाया, इसलिए तुम्हारी लिए ठीक है। चलो भैया बीमार होंगे तो फिर बुला लूंगा। नहीं मैं नहीं बीमार होता, मेरा नंबर नहीं आता जल्दी। तुम होते हो तो तुम ऐसा होते हो कि मैं सही हो जाता हूँ अपने आप ही। नहीं हाँ गोवा में मेरी दवाई मैं गोवा से आया, सब लोग मोटे हो गए, मुझसे कह रही तुम पतले हो गए गोवा से आके। मैंने कहा मुझे और आशु प्रियांजु वगैरह अगले दिन निकल, भैया तुम पतले क्यों लग रहे हो, मेरा पेट निकल गया तुम कैसे पतले हो गए। मैं नहीं इतना गला नहीं हुआ, मैं सबसे कम, मेरे को असर मेरे पे पड़ा, सबसे ज्यादा असर पड़ा शैम्पू पर। चलो भाई टाटा बाय बाय। छाया छाया ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, छाया ने एक दिन और एक्सटेंड कर दिया अपना, छाया कल जाएगी। छाया कल जाएगी, छाया ने कह रही मैं रूरू को छोड़ के नहीं जा सकती। सही रहेगा, सही रहेगा ना, तैयारी कर पाएगी एक काम। मैं वहाँ पे नीचे कुछ खा रहा था तो एकदम से उसने आवाज लगाई, मैंने बोला कि भाई आके, मतलब मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा भाई, क्योंकि भाई इसके अभी ज्यादा चल फिर नहीं सकती ना, तो आके मुझसे कहती गीजर बंद कर दो। मैंने कहा ये तो उठ के अपने आप भी कर सकती थी थोड़ी देर। तो मैं डालूं ठंडा पानी मिक्स करके? नो थैंक्स।